श्रोमणी अकाली दल की हार से श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने चिंता जाहिर की है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अकाली दल का कमजोर होना सिख कौम देश के लिए घातक है। जी हाँ, तुहानू दस दिए जथेदार साहब ने चिंता का प्रगटावा करदे स्पष्ट तौर के उपर यह कहा है कि अकाली दल का जन्म सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं होया, अकाली दल एक सोच है। सियासत जा रहे निगार से भी जथेदार साहब ने चिंता का प्रगटावा किया है। तुहानू दस दईए जिस ढंग दे नाल यह खबर आ रही है तुहानू दस रहे हैं जथेदार साहब का की कहना है। उन्होंने कहा कि अकाली दल का जन्म सिर्फ सत्ता हासिल करना ही नहीं करन दे लई नहीं, सगों अकाली दल एक सोच है जिसनों वारन की लोड़ है। इस दे नाल ही जथेदार साहब ने सियासत चा रहे निगार नूं लैके भी चिंता का प्रगटावा किया। विधानसभा चोणां दे एक पासड़ नतीजियां ने जिथे एक पासे आम आदमी पार्टी नूं मजबूती दित्ती, उथे दूजियां पार्टियां दे खाते च आईयां बेहद घट सीटां ने उन्हां दीआं चिंतावां भी वधा दित्तियां ने। 75 साल च पंजाब नूं इस मुकाम तक लियाउण वाली पार्टी नूं जनता ने विसार के अपने लई नवां बदल चुणिया। सिख पंथ दी नुमाइंदगी करन वाला श्रोमणी अकाली दल इन्हां चोणां च महज 4 सीटां ते ही सिमट के रह गया। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अकाली दल की इस हार नूं सिख कौम अते देश दे लई हानिकारक दस्या है। जथेदार साहब का कहना है कि देश नूं आजाद करवाउण च अहम योगदान देने वाली 101 साल पुरानी पार्टी की हार होना चिंता करन वाली गल है। यह चिंता सिर्फ पंजाब च ही नहीं सगों दुनिया भर च प्रगटाई जा रही है। देशों विदेशों तो बहुत सारे सुहिरद सिख सिद्धांत सिख फलसफे और खास तौर पर सिख राजनीति दे विच डूंगी दिलचस्पी रखने वाले और समझ रखने वाले सिखां दे फोन ईमेल्स आ रही हैं और श्रोमणी अकाली दल दी स्थिति नूं लैके सारे जिहड़े सिख ने बड़े चिंतित ने। खुशी वाली गल है कि वो सिख भी चिंतित ने जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दी मौजूदा लीडरशिप दे नाल कोई इतफाक नहीं रखते, एक चंगी गल है। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का खत्म होना यह सिखां लई बड़ा घातक है, इसलिए सिख चिंतित नज़र आ रहे। और मैं दिल्ली नूं भी कहना चाहुंदा कि श्रोमणी अकाली दल का खत्म होना देश लई भी घातक है, देश लई भी सही नहीं है। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक अजिही पार्टी है जिसने हिंदुस्तान नूं भारत नूं आज़ाद कराउण दे विच अपना बनदा जिहड़ा है वह रोल अदा किया, बनदा योगदान जिहड़ा है वह पाया। अज जरूरत है इस गल दी कि जिन्हें भी श्रोमणी अकाली दल दे धड़े ने सारे जिहड़े ने अपनी अपनी ईगो नूं त्याग के श्री अकाल तख्त साहब गुरु हरगोबिंद साहब ने सानूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिता है जिथे असीं अपनी गल रख सकते, उत्थे सानूं बैठ के इकट्ठे हो के तुरन की बहुत वड्डी जरूरत है। श्रोमणी अकाली दल का जन्म सिख पंथ की राखी और नुमाइंदगी दे लई होया सी। अकाली दल दे सुनहरे इतिहास नूं मिटाया नहीं जा सकता। श्रोमणी कमेटी की साबका प्रधान बीबी जगीर कौर ने भी अकाली दल की इस हार नूं लैके पड़चोल किए जाने की गल आखी है। श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही जिथे लोगों की समाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर आर्थिक तौर उत्ते धार्मिक तौर उत्ते अपनी हमेशा तनदेही के नाल जिम्मेवारी निभाई है। अज जी उन्होंने आवाज़ दी है कि सारे जड़े श्रोमणी अकाली दल संबंधित वक् वक् पार्टियां के लोग है वो सारे इकट्ठे होवो, चिंता करो, चिंतन करो, फिर एक प्लेटफॉर्म पर बैठो तो अपनी वो महान जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल जो श्रोमणी अपने श्री अकाल तख्त साहब तो सिरजी गई सी उहदी मजबूती करन वास्ते सिर जोड़ के बैठो। मैं धन्यवाद करती हूँ जथेदार जी का और मैं सारे बेनती भी करांगी अपने वालों भी कि आओ दुनिया विच बैठे हर सिख इस गल दे उत्ते जरूर चिंता प्रगट करे
ते सुझाव भी देवे कि असी अपनी पार्टी नूं किद्दां मजबूत करना। सीनियर अकाली आगू महेश इंदर गरेवाल का कहना है कि अकाली दल की शुरुआत जिस तरीके दे नाल होई सी उसनूं वेखदिआं उन्हां दे हौसले कमजोर नहीं हन। उतार चढ़ा जिंदगी का हिस्सा हन, पर ना ही पंजाब नूं अकाली दल तों वख कीता जा सकदा है ते ना ही अकाली दल नूं पंजाब। अकाली दल जद पंजाबी सूबा बनने तो बाद पहली बार चोण हुई तो उदों भी 104 सीटां विचों अकाली दल दीआं 24 सी कुल, पर क्योंकि अकाली लीडरशिप ते भरोसा सीगा ते अकाली लीडरशिप दे नाल 24 दे नाल 28 होर जुड़ गए ते बहुमत बन गई ते सरकार बन गई उस वेले अकाली दल दी 69 च बन गई। फिर उदों बाद फिर अपने आप ते बहुमत आउंदी रही। देखो मैं एक गल कह सकदा हैगा कि जिहड़ा जियोग्राफिकली हिस्टोरीकली पंजाब ते श्रोमणी अकाली दल कदे वख नहीं कीते जा सकदे। उतरा चढ़ा आउणे हिस्से हुंदे ने पर कोई भी पोलिटिकल पार्टी कदे खत्म नहीं हुंदी। लाहर कांग्रेस तों वख श्रोमणी अकाली दल ने इन्हां नतीजियां तों बाद जिस तरह अपनी हार नूं स्वीकार कीता है ते अपने हौसलियां नूं कमजोर नहीं होण दित्ता उह शलाघायोग है। जदकि दूजे पासे कांग्रेस हार तों बाद इल्जाम तराशियां च रुझी विखाई दिंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीसी न्यूज।